अपने गांव सुरगाट बेटा, जरा गाड़ी रोक दो। उसके उपलक्ष में शाम को ठीक पाँच बजे पंचायत होने वाली है, इसलिए आप सभी लोग उस मीटिंग में शामिल होकर अपनी अपनी राय दीजिए। मुझे उस मीटिंग में जाना है। गांव वालों ने हमें पूरी तरह अलग कर दिया है ना, फिर मीटिंग में जाकर क्या करेंगे? गांव वालों ने अलग किया है, उस भगवान ने तो नहीं। पहले जो फैसला लिया गया था उसके हिसाब से हर एक परिवार से 1,000 चंदा, लेकिन एक परिवार से नहीं लेंगे हम, क्योंकि इस गांव से विश्वासघात करने वाले परिवार से चंदा लेकर मेला चलाने की नौबत नहीं है इस गांव की। हमेशा की तरह सुटगाटू मरियमन की पालकी की दोपहर में पूजा होगी और शाम को शादीशुदा लोगों में कबड्डी की प्रतियोगिता होगी, ठीक है ना? किससे पूछकर आपने ये फैसला लिया? किससे पूछना है आखिर? हमारे परिवार से पूछना चाहिए, क्योंकि उस मंदिर की स्थापना करने वाला हमारा परिवार ही है। और आज से नहीं, हमारे दादा परदादा के समय से पालकी को कंधा देना और कलश को तोड़ने के बाद ही लोग प्रार्थना करते आए हैं। आप सब कुछ बदल सकते हो, लेकिन इस मंदिर के रिवाज को नहीं बदल सकते। इस गांव में सब कुछ तुम लोग बदल सकते हो, लेकिन मंदिर के रिवाज को कभी नहीं बदल सकते। ये भी सही है, पोतारी का जो रिवाज चलता आ रहा है, मंदिर से पोतारी परिवार को अलग करके मेला कैसे शुरू कर सकते हैं हम, और कैसे कबड्डी प्रतियोगिता करवा सकते हैं? पीठ पीछे लोग ऐसी ही बातें करते हैं। इन लोगों को अलग नहीं करते, शामिल कर लेते हैं ना। लेकिन शामिल होके करेंगे क्या? जिस घर में मातम हो ना, उस घर में पूजा नहीं करते, फिर मंदिर में क्या काम है? जो कबड्डी खेलने के काम आता था वो लड़का भी मर चुका है। तो एक काम करते, उस परिवार के शादीशुदा लोगों को या फिर जो कुंवारे हैं उनको मैदान में उतार कर कबड्डी खेल सकते हैं क्या? वैसे एक काम करते हैं, क्यों ना मटका तोड़ने की प्रतियोगिता रखी जाए। जो पुतारी परिवार की रिवाज की बात कर रहे हैं उनको वही मटका तोड़ने देते हैं। कब से मैं देखे जा रहा हूँ, एक परिवार से चंदा नहीं लेना है, उस परिवार को विश्वासघाती कहते हो। साबित करने के लिए मेरा भाई भी जिंदा नहीं है। और हाँ, ये उत्तरी परिवार के लिए मटका फोड़ने की प्रतियोगिता रख रहा है ना, और इसकी बात सुनकर पूरा गांव हंस रहा है। मेरे दादाजी इस गांव के लिए 40 साल कबड्डी खेले, मेरे पापा 10 साल खेले और मेरा भाई 5 साल। हमने गलत कर दिया क्या? अगर हमारी कोई गलती है तो बताइए ना। उस दिन पंचायत में आप लोगों ने क्या कहा? वो तारी परिवार आज के बाद कबड्डी नहीं खेलेगा। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ, आने वाले मंदिर के मेले में प्रतियोगिता शादीशुदा और कुंवारों के बीच नहीं होगी। तुम लोगों ने हमें कबड्डी खेलने से मना किया है ना, गांव के लड़के एक तरफ और हमारा परिवार एक तरफ, पूरे गांव के लड़कों की ताकत देख लूंगा। अगर तैयार हो तो आ जाना। है, तू पहले ये बता कि किस परिवार का है तू। ए, तेरे घर वालों ने तेरे छोटे भाई की लाश को तुझे देखने तक नहीं दिया और तू आ गया तेरे परिवार का समर्थन करने। एक मिनट, पोतारी, पोतारी का बेटा कन्हैया, कन्हैया का बेटा चिन्ना दुरई, ये मेरा पोता ही है। चालीस साल से इस गांव के लिए भाग दौड़ करके कबड्डी खेलकर इस गांव का नाम रोशन किया है मैंने, और उसी वजह से अपना परिवार तक खो चुका हूं मैं। और ऐसे परिवार के लिए मटका तोड़ने की प्रतियोगिता, मैं पहले ही एक मटका तोड़ चुका हूं अपने पोते के नाम का। तुम्हीं लोगों ने हमें अलग किया है ताकि हमारे परिवार से कोई कबड्डी ना खेल पाए इसलिए, लेकिन ये 70 साल का पोतारी कबड्डी खेलने के लिए मैदान में उतरेगा मेरे परिवार के लिए, बेटे के लिए, पोते के लिए, इस पूरे गांव के खिलाफ मैं खेलूंगा। क्या भाई, एक परिवार पूरे गांव के खिलाफ कबड्डी खेलेगा? ये लोग अच्छी तरह से फंस गए हैं, ये लोग बहुत बुरा मार खाकर जाएंगे। पोतारी जरा पलट के देख, तुमने जिसे पोता कहा ना, अगले मिनट तेरा बड़ा बेटा चला गया यहाँ से। परिवार के साथ खेलोगे, परिवार के साथ खेलोगे बोल रहे हो, किस परिवार की बात कर रहे हो? ये देखो, इसे साथ में लेकर कबड्डी खेलोगे क्या? उधर एक और घर जमाई है, उसके साथ खेलोगे क्या? बताइए, ये देखो बेटा, उसे साथ लेकर कबड्डी खेलो। तू पॉलिटेक्निक कर रहा है ना, कबड्डी खेलना आता है? अरे इसको छोड़ो यार, आपके पास जो मंद बुद्धि खड़ा है उसे खेलना आता है क्या?
ये मंद बुद्धि है या धारदार चाकू, ये मंदिर के मेले में पता चल जाएगा। ये कबड्डी मेरे भाई की मौत के इंसाफ के लिए खेली जाएगी। जब से जलेया का जन्म हुआ है, मंदिर की पालकी सिर्फ हमने उठाई है, और जब उसकी मौत हुई तो उसका अंतिम संस्कार भी वहीं पर हुआ, इसलिए ये कबड्डी भी उस दिन मंदिर के सामने ही होगी, ताकि ये मंदिर का भगवान भी उस कबड्डी को देख सके। अगर हम लोग उस दिन हार गए तो हम मान लेंगे कि हमारे भाई ने पाप किया था और उसकी सजा हमें भगवान दे रहा है, और उस दिन हमारा परिवार यह आखिरी कबड्डी खेलेगा। लेकिन अगर हम उस दिन जीत गए तो इसे भगवान का फैसला समझकर हम ये मान लेंगे कि मेरे भाई ने कोई गलती नहीं की और हम जीत कर रहेंगे। बनारसी पान 8 बंडल, भोला 6 बंडल और ये कलकत्ता 16 बंडल। नीलामी शुरू कर दो। चिन्ह दुराई, व्यापारी लोग आएंगे तभी तो प्रतियोगिता होगी, कीमत बढ़ेगी और तभी 4 पैसे मिलेंगे। तू इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है? वो क्या है ना, आज मेरा छोटा भाई कबड्डी खेल रहा है। हमारी इस प्रो कबड्डी टीम के कोच मिस्टर भास्कर जी का हम स्वागत करते हैं। ये लड़का कौन है? पुराना पोतारी है ना, उनका पोता है। हमारे भास्कर जी कुछ जरूरी काम की वजह से अब विदा ले रहे हैं, लेकिन वो यहाँ आए इसलिए हम सब उनके शुक्रगुजार हैं। असली प्लेयर का असली टच यही होता है, समझ गया? यार ये तो बहुत बड़ा तोप है क्या? क्या रे, पोतारी का पोता है, इज्जत दिए बिना उस पर हाथ उठा दिया? क्या पोतारी का पोता है, पोतारी का पोता है? ऐसा बोल रहा है जैसे पोतारी ने इंडिया के लिए खेला या तमिलनाडु के लिए खेला है। इस गांव में ही खेला ना, मैंने तमिलनाडु के लिए 2 स्टेट खेले। छोड़ना मत। आ जाओ। अब देखता हूँ कैसे बच के जाता है।
तुम सब कबड्डी सीख कर खेल रहे हो, पर जो कबड्डी मेरे दादाजी खेल रहे थे ना, उस तरह की कबड्डी जो उनका चेला खेल रहा था वो भी नहीं खेल पाओगे। तुम्हें पता है मेरे दादाजी कौन थे? आज मैं दिखा दूंगा। एक एक करके आओ, सबको मैं हरा दूंगा। जोर जोर मुझ में है कितना, आज मैं दिखा दूंगा। पतारी, सरकारी नौकरी के लिए लेटर आया है। अगली 24 तारीख को तुम्हें मद्रास जाना है इंटरव्यू के लिए। तुम्हें पता है यहाँ अरसल कुलम के लोग हमसे कोई जीत ही नहीं सकता। उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए कन्याकुमारी के राजा रत्नम, मेमो दिल्ली, आईसी प्रभाकरन ऐसे बड़े बड़े प्लेयर को सेट कर रहे हैं यार। मैंने भी बोल दिया कि बाहर के लोगों को सेट नहीं करना है, जो गांव के लोग हैं वही खेलेंगे भाई। अरे वो उन लोगों को किसी को भी खेलने दो। हाँ। उन लोगों को अपने हिसाब से खेलने दो, हम अपने हिसाब से खेलेंगे। पुतारी, अरसा कुल्ला तूर और हमारे मैच का फैसला कर दिया है अगली 24 तारीख को। अरे 24 तारीख को तो पुतारी का सरकारी इंटरव्यू है ना मद्रास में। मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो भी चलेगा, मेरे लिए मेरे गाँव की इज्जत जरूरी है। जब पुतारी है तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है, अरसा कुल्लम से हम ही जीतेंगे। करके आओ, सबको मैं हरा दूंगा। जोर जोर मुझ में है कितना, आज मैं दिखा दूंगा। हे, एक एक करके आओ, सबको मैं हरा दूंगा। जोर जोर मुझ में है कितना, आज मैं दिखा दूंगा। मुझसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। उससे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जिंदा रहने वाले मेरे दादाजी का पुतला बनाकर गांव वाले पूजा कर रहे हैं। उस इंसान की अगर बेइज्जती करोगे तो क्या करूं मैं? मेरे दादाजी के बारे में बुरा बोला इसलिए मैंने तुम्हें मारा। दोबारा मेरे दादाजी या मेरे परिवार के बारे में किसी ने कुछ गलत बोला तो काट डालूंगा। यह है पोतारी का घर। सोच रहे होंगे इस घर में क्या फंक्शन चल रहा है। आज पोतारी की शादी है, 70वीं शादी। धूमधाम से करने के बजाय ज्यादा लोगों को ना बुलाकर एक छोटा सा फंक्शन कर रहे हैं। ये है पोतारी का बड़ा बेटा तावमणि और ये है उनकी बड़ी बहू। ये है पोतारी की बड़ी पोती, इसके लिए लड़का देख रहे हैं। और ये है पोता, अब सब जानते हैं ये कबड्डी प्लेयर है। ये है दूसरा बेटा सच्ची मुत्तू, ये है दूसरी बहू, ये भी उसका पोता है जो पॉलिटेक्निक पढ़ रहा है। ये सबसे छोटा पोता टीओ पढ़ रहा है। ये है पोतारी की बेटी दामाद और नाती। ए सुन, तुम और तुम्हारे भाई चाहे तो पैर पढ़ सकते हैं, मैं तो इस घर का दामाद हूँ। क्या समझा है, चिल्लर की तरह मैं तुम्हारे बाप के सामने झुकूंगा नहीं। अगर तुम चाहो तो यहीं से आशीर्वाद दे देता हूँ उन्हें जीने तो। क्यों, ठीक है ना? दामाद जी। ससुर जी, मैं ठीक हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए ससुर जी। अरे तू भी पैर छूना, क्या कर रही है, चल चल। पोतारी का पूरा परिवार इस पान की खेती बाड़ी पर ही निर्भर है। पोतारी की दो बीवियां हैं, दूसरी बीवी गुजर गई, उनका बेटा भी गुजर गया। ये उनकी बहू है। पति के गुजरने के बाद परिवार से अलग होकर ये अपने बेटे के साथ रहती है। ये है पोतारी की दूसरी बीवी का इकलौता वारिस चिन्नदुरई। ए रुक जा। बड़े पापा। कौन है रे तेरा बड़ा पापा? किस मुंह से तू इस घर की दहलीज पर कदम रख रहा है? मैं भी तो आपका ही खून हूं ना, आज के शुभ दिन पर मैं आपसे आशीर्वाद भी नहीं ले सकता क्या? जब सर धड़ से अलग हो जाता है तो वो अलग ही रहता है, दोबारा कभी जुड़ता देखा है क्या? बड़े पापा, यहां से जा। भाई जा। भाई चलते हैं यार।
यही रुक जाओ तुम लोग। क्यों तुमने उनके घर के दरवाजे पर कदम रखा? मैंने तकलीफ उठाकर तुम्हारी परवरिश की है उनके सामने बेइज्जत होने के लिए क्या? मुझे जिंदा रखकर मेरी छाती पर मूंग दल रहे हैं वो लोग। वो हमारा परिवार या रिश्तेदार इनमें से कुछ भी नहीं है। तुम्हारे लिए मैं हूँ और मेरे लिए तुम हो और कोई नहीं। वो हमेशा तुम्हारी बेइज्जती करते रहते हैं फिर भी तुम बेशर्मों की तरह उनके सामने खड़े हो जाते हो। वहां चाहे मेरी कितनी भी बेइज्जती हो मैं वहां जरूर जाऊंगा। मुझे अपने परिवार को एक करना है। दोस्ती हमारी प्यारी हम तो है खिलाड़ी कबड्डी हम खेलते हम तो कबड्डी है खेलते। हेलो कौन है? मैं तमिल तलाइवा से भास्कर बात कर रहा हूँ बेटा। अब सर 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 सॉरी सर नंबर नया है इसलिए पहचान नहीं पाया। मैंने तुम्हारे फोन पर एक ईमेल आईडी भेजी। ओके सर। तुम एक काम करना तुम अपना आधार कार्ड और बाकी के डिटेल्स उसी पर सेंड कर देना। ओके सर। ओके सर बाद में बात करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। अब अरे यार कौन था फोन पे जो तू इतना मुस्कुरा रहा है? तमिल तलाइवा ग्रुप से भास्कर जी थे यार। भास्कर सर? हाँ यार अपना सारा डिटेल्स भेजने के लिए कहा है। ईमेल आईडी भेजा है ऐसा कह रहे थे। ऐसा क्या क्यों? क्यों ये तो मुझे भी पता नहीं। कहीं वो प्रो कबड्डी के बारे में तो नहीं बोल रहे? मुझे भी ऐसा ही लगता है यार। अब एक मिनट। हाँ हेलो पापा तमिल तलाइवा से फोन आया था पापा मेरी सारी डिटेल्स भेजने के लिए बोला है। नहीं पापा ऐसा तो अभी हट रहे। एक जमाना था पोतारी और हमारे मालिक साथ में कबड्डी खेला करते थे। पोतारी बहुत अच्छा खिलाड़ी है। उसके बाद पोतारी का बेटा कनन कबड्डी खेला और उसके साथ हमारे मालिक का बेटा भी खेला। कनन बहुत अच्छा प्लेयर था। देखो क्या कमी है। पोतारी का पोता चलैया भी कबड्डी खेलता है और उनके साथ हमारे मालिक का पोता भी कबड्डी खेलता है। चलैया अपने दादाजी की तरह कबड्डी खेलता है। वो क्या है पता नहीं लेकिन ऐसा लगता है ये कबड्डी का खेल पोतारी परिवार के लिए ही बना है। और पता है गांव के लोग भी यही बोलते हैं। वाह दादाजी का क्या हुआ? ए, क्या हुआ? बोला था जाके वार्म अप करो यहाँ आके खड़ा है तू। वार्म अप करके क्या करूं? क्या करूं हाँ? तुझे प्रो कबड्डी में ले जाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं और तू ये क्या बोल रहा है? बड़ा तीर मार लिया आपने। पटना पैरेट में बात किया है, तमिल तलैया से बात किया है, न्यू मुंबई में बात की है, आप बस ढींगे मार रहे हो। और उधर तमिल तलैया खुद चलैया को फोन करके उसकी डिटेल्स मांग रहे हैं। उससे तो कभी भी बुला लेंगे। बोलो क्या कह रहा है तू? रुक जा मैं मिनिस्टर को फोन लगाता हूँ। स्पीकर में डालो, स्पीकर में डालो। भाई पालायार कोविल से ब्रह्मया बात कर रहा हूँ। बोलो ब्रह्मया। आपसे अपने पोते के लिए तमिल तलैवा टीम के लिए बोला था, क्या हुआ उसका? अरे ब्रह्मया तमिल तलैवा के कोच भास्कर से मैंने बात की थी। किसी पोतारी का पोता है वो लड़का क्लिक हो जाएगा ऐसा बोल रहे हैं। अगले साल किसी ना किसी टीम में तुम्हारे पोते को घसीट लेते हैं। ठीक है रखता हूँ। सिर्फ बोल बच्चन है आपका। ससुर जी पहले तो ये कबड्डी वगैरह भूल जाइए। मैंने कबड्डी खेली, मेरा परिवार कबड्डी खेल रहा है, ऐसा सिर्फ आप कहते हैं। बाकी इस गाँव में ऐसा कौन कहता है? आप यहाँ के प्रेसिडेंट है, इस गांव में सबसे बड़ा परिवार है, लेकिन यहाँ हमारी क्या इज्जत है? जब इस गांव में किसी की शादी होती है तो मंगलसूत्र उठाकर कौन देता है? पोतारी देता है और सबसे पहले वही आशीर्वाद भी देता है। मातम हो तब भी पोतारी ही जाता है। अभी मिनिस्टर ने क्या कहा ये पता है ना? चलैया को सिलेक्ट करने वाले हैं वो लोग। मैं जो कह रही हूँ वो चुपचाप सुन लीजिए। इसे भी ना दुबई भेज दीजिए, इसे अपने पापा के साथ कंपनी संभालने दीजिए। ये युद्ध तीन पीढ़ियों से चल रहा है। मेरे पोते को जो नहीं मिला वो पोतारी के पोते को भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। धक धक धिता
धक धक धिता, धक धक धिता, धक धक धिता, तू ही है वो जिसे मैं चाहता, हंसी हंसी ये वो ही चेहरा है, सोही सी है, जागी जागी सी है, तू लगती बड़ी प्यारी सी है। क्या है? एक गाड़ी यहां से ऐसे क्रॉस हुई और उस गाड़ी की हेडलाइट तुम्हारे चेहरे पर पड़ी और तुम्हारा चेहरा सोने की तरह चमक रहा था, और उसके बाद जब रेड लाइट पड़ी तो वही चेहरा मणि की तरह चमक उठा, और जैसे ही ग्रीन लाइट पड़ी तुम्हारा चेहरा तो नीलम की तरह चमकने लगा। मुझे कहीं गिरवी रखने वाले हो? आपको अपने दिल में गिरवी रख लिया। तुम्हें मार डालूंगी। अरे यार, गाड़ी ये नहीं है, सोकर उठने के बाद ये क्या हो रहा है? पान के पत्ते बस में जा रहे हैं यार। क्या यार, तुझसे बात कर रहा हूँ। ए, ए! बस में जिस लड़की को देखा था वो यही है क्या? मतलब वही है। कोच इस बस में नहीं आया है। कोच नहीं आया है? अरे सुनना भाई, मैं आज कोच बनकर मैदान में उतर जाऊं। कोच बनकर? अबे तुझे कबड्डी का कब ही आता है क्या? 7 साल में बहुत कबड्डी खेली है मैंने। तब तू 7 साल का था, अब तू 7 साल का नहीं है। मेरी रगों में मेरे दादाजी का खून है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ऐसे कपड़ों में कभी किसी ने कोचिंग की है क्या? क्या यार, ड्रायर के साथ तो कर सकते हैं ना। ये कोच है? क्यों कोच साहब, दादाजी के खून का असर दिख रहा है ना? ए, कोच आ गए हैं। ए फ्रॉड, फोन नंबर नहीं दोगी? मार डालूंगी। लेकिन कब? अरे बेटे, तुमने मेरी बात सुनी क्या? क्या हुआ चाचा? तुम्हारी दीदी की शादी में 3 एकड़ पान की खेती और 1 क्विंटल पान के पत्ते दहेज में देने वाले हैं। ये बात जानते हो क्या? मामा, लगता है अमीर घर का लड़का मिल गया है, इसलिए अपनी जमीन जायदाद बेचकर शादी करने की सोच रहे होंगे। लेकिन उनका कहना है कि देना है तो पंप सेठ के साथ दो भाई। लेकिन मुझे लगता है अपनी पोती को दहेज नहीं बल्कि घर वालों को रोड पर लाने वाले हैं तुम्हारे दादाजी। पता नहीं उनके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। इसका कितनी बार भी बोलो सुनने वाला नहीं है। तू इधर क्यों आया है? रिश्तेदार होने के नाते दुश्मन के घर पर आ रहा है तू? तुम्हारे हमारे बीच में कुछ नहीं ऐसा बोल दिया था ना? अरे रुक जाओ, रुक जाओ। पंप सेट के साथ 1 एकड़ जमीन बेच दी, बाकी जमीन के लिए पानी कहां से लाएंगे? नई बोरिंग करानी है क्या? ये मेरी जमीन के कागजात है, इसे बेचकर दीदी की शादी करवाते है ना। ए! तू हमें भीख देने आया क्या? इधर देख, हमारी सारी जमीन जायदाद बेचकर मेरे पिताजी मेरी बेटी की शादी करवाएंगे। जा। ए, सुनाई नहीं दिया क्या? बड़ा बेशरम है, चल जा। क्या बात है, पोते का जन्म हुआ है? हाँ दीदी, पूरी रात अस्पताल में ही था। अभी आकर नहाया। जब मैं छोटा था तब मेरी एक लटकती हुई छठी उंगली थी ना, वैसे ही मेरे पोते की भी है। रो रहा है मेरे बच्चे? हाथ को क्या हुआ? वो कुछ नहीं है पापा, भविष्य में प्रॉब्लम ना हो इसलिए डॉक्टर ने छोटी उंगली का ऑपरेशन किया है। मैंने बोला था ना ऐसे ही रहने दो। अरे मेरे बच्चे को कितना परेशान किया। मेरा बच्चा।
क्यों ससुर जी, सारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अच्छा था। देखा जाए तो अपने घर में आधी जायदाद के मालिक हो, परिवार वालों के चक्कर में पड़े रहोगे तो ये सब कैसे चलेगा बताओ? जायदाद का बंटवारा करके खुशी से जीने के बजाय खेती बाड़ी। सर जी, आप हमारे घर आए, खाना खाया, अपनी बेटी से मिले, आपको इतने में ही तसल्ली रखनी चाहिए। शराब वगैरह चाहिए तो मंगाओ। वो क्या है ना ससुर जी, हमारे परिवार के बीच में मत पड़िए। भाई बहन माँ बाप के रिश्ते को तोड़ने की कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता, समझ गए ना? इतनी रात को कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं भाई, तंजिया डिस्ट्रिक्ट और पुतकोटी डिस्ट्रिक्ट का फाइनल है, दो बार हार चुके हैं, इस बार कैसे भी करके जीतना है हमें ये। अपने कन्हैया अगर ये मैच खेलेंगे ना तो मैच हम पक्का जीत जाएंगे, और कब भी हमारा होगा, इसलिए हम आपके पास आए हैं। ठीक है, थोड़ा रुको। ठीक है। क्या हुआ ससुर जी? कन्हैया को जरा बुलाओ। क्यों, क्या बात है? क्या हुआ पापा? वो बेटा कबड्डी एसोसिएशन के लोग आए हैं, एक जरूरी मैच है, हमारे जिले की इज्जत का सवाल है, तुम वहाँ जरूर खेलना। ठीक है पापा। अजी सुनिए, कबड्डी खेलने का कोई सही समय नहीं होता क्या? अभी जाकर खेलेंगे, मुझे अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा, आप अभी मत जाइए, कबड्डी इतना जरूरी है। ए, पापा ने जबान दी है ना, अब क्या उनको मना कर दूं? आता हूं। तंजिया की टीम की तरफ से अभी जो मैदान में उतरे हैं वो एक नामचीन कबड्डी प्लेयर पोतारी जी के बेटे हैं। अब दिलचस्प खेल होने वाला है। ए, बहुत बढ़िया, वाह वाह, तंजिया टीम ने अपनी पहली जीत का झंडा गाड़ दिया है और उन्होंने और पॉइंट्स हासिल किए हैं। अंजिया टीम ने अपनी जीत का पहला झंडा गाड़ दिया है। कबड्डी 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 कबड्डी, छोड़ना नहीं छोड़ना नहीं, कबड्डी कबड्डी पकड़ ले पकड़ ले। तंजिया टीम के हुए 5 पॉइंट और पुतकोटी टीम के हुए 3 पॉइंट। उठ, हिल क्यों नहीं रहा? उठ, ये चलो देखो। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? अरे बाप रे, ये क्या हो गया? देखो ये हवा से ठीक हो रहा। पुतारी को हर बात का पता है, अगर 10 वारिस हो तो भी उसका आधा हिस्सा बनता है। लेकिन ऐसे में वो आपकी बात भला क्यों मानेगा? यहाँ तो एक ही है, ऐसे में मेरी बेटी और उसके बच्चे को आधी जायदाद तो मिलनी ही चाहिए। हमारा बेटा मर गया, यही दुख नहीं सह पा रहे, मैं तड़प रहा हूँ, और आप यहाँ जायदाद की बात कर रहे हैं, इसे अलग करना चाहते हैं आप? जिसको जन्म दिया उसको अलग करें, पाल पोस कर बड़ा किया उसे अलग करें, जो जिंदगी उसने बिताई उसे भी अलग करें, क्या बोल रहे हैं आप? किसे अलग करने की बात कर रहे हैं आप? अभी तो बच्चे छोटे हैं, उनकी पढ़ाई की उम्र है, जब वो बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तब करेंगे ना बंटवारा, अभी से अलग क्यों करना है उन्हें? मुझे अभी से इस परिवार को अलग नहीं करना है, समझ गए ना आप? कबड्डी खेलना और उसके लिए मरना आपके लिए गर्व की बात होगी, पर मेरे लिए ऐसा नहीं है। जो सो रहा था उसे उठाकर कबड्डी खेलने के लिए भेजने वाले आप ही हैं, और सिर्फ आपके लिए वो आधी रात को कबड्डी खेलने चले गए। क्या बात कर रही हो भाभी? मुझे भी कानून पता है, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, जायदाद का बंटवारा कर दो। ए, जायदाद बंटवारे के लिए कहां जन्म हुआ, कहां कर बात कर रही है भाभी? क्या कहा? अब तू क्या कर बात करोगे मुझसे? अरे नहीं, रुको, हाथ उठाओगे? मेरा पति नहीं रहा तो ऐसा करोगे मेरे साथ? मेरा बेटा छोटा है इसलिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं, अगर ये बड़ा होता ना तो आपके हाथ तोड़ कर रख देता, समझे आप?
मारने के लिए ही अपने बेटे को तैयार करके रखा है ना। अभी और क्या बचा है, अब हम लोग जिए या मरे। आज के बाद इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद, तुम्हारा जो हिस्सा बनता है लेकर जाओ। कागजात तैयार करो, अभी दस्तखत करूंगी। तुम्हारे दादा को तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है, तुमसे प्यार की बातें करके जायदाद का बंटवारा करना चाहते हैं, और उनके दिल में हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। अगर वो कबड्डी खेलने बुलाए तो कभी मत जाना, तुम्हारा कोई दूसरा परिवार नहीं है, तुम्हारे लिए मैं हूँ और मेरे लिए तुम हो, समझ गए ना। अरे बेटा रुको, तुम लोग खेलो, खेलो तुम लोग। अब तुम कबड्डी खेलने क्यों नहीं आते, खेलो। मैं भी अपने पापा की तरह कबड्डी से मरूंगा क्या? हम लोगों से आपको कोई प्यार नहीं है, हमसे प्यारी प्यारी बातें करके हम लोगों के पास जो है वो सारी जायदाद लेके बांट लोगे। पोता इस तरह से बात कर रहा है? बेटे को मार दिया ऐसा बहू कहती है, मुझे भी मार दोगे ऐसा पोता कह रहा है। मैंने अपनी छोटी उम्र में अनजाने में जो भी किया उससे मेरे दादाजी को चोट पहुंची, उस जख्म को ठीक नहीं किया जा सकता। मेरे दादाजी को जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं है, और जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैं उनसे मिलने के लिए गया, लेकिन उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया और घर से निकाल दिया। मानता हूँ कि दोनों घर के बीच हालात ठीक नहीं है, लेकिन एक दिन दोनों परिवार एक हो जाएंगे। इस जमीन पर दोनों साथ मिलकर खेती करेंगे। उस दिन मेरे दादाजी कहेंगे, हे चिन्ना दुरे, हल लगाना, चल ट्रैक्टर स्टार्ट कर। जब तक वो दिन नहीं आ जाता तब तक मैं इस जमीन पर खेती बाड़ी नहीं करूंगा। इस जमीन पर अगर खेती बाड़ी करेंगे ना तो लाखों रुपए कमा सकते हैं। इसे ऐसे ही सूखा छोड़कर कमीशन के लिए पान की ट्रेनिंग करने की सोच रहे हो तो ऐसा ही क्यों नहीं कर लेते? भैया मुझे यहाँ से कालियार मंदिर जाना है, वहाँ की बस कितने बजे आएगी? इस गाँव से बस की 3 ट्रिप चलती है, अगली बस 4 बजे आएगी, उससे पहले वहाँ के लिए कोई गाड़ी नहीं है। ये लो कालियार के लिए गाड़ी आ गई। ये चुना दुराई, इस लड़के को तुम्हारे गाँव जाना है, लेकर के चले जाओ ना साथ में। बेटा सोचो मत, बैठ जाओ इसके साथ, नहीं तो कोई बस नहीं मिलेगी अभी। आओ ना। फ्रॉड, पता है तुम्हें देखने के बाद मैं खुद को झूठ बोलने से पता नहीं रोक ही नहीं पाया। आखिर कौन सी बड़ी गलती कर दी है मैंने? तुम्हें देखने के लिए जब मैं बस से नीचे उतरा तो 1 लाख के पान मैं उस बस में ही भूल गया। हमेशा डांटती रहती हो मुझे। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे बताओ तुम्हें जाना कहाँ है? पुतारी के घर पे। पुतारी जी के घर पर जाना है ना, चलो चलते। पुतारी जी के घर पर पहुंच गए हम। क्या बात है, यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पुतारी, 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 वहां भीग रही हो, थोड़ी पास में आकर खड़ी हो जाओ ना। पता है मैं रास्ते में तुम्हें कुछ बताना चाहता था। दरअसल कल रात को मैंने एक सपना देखा, तुम्हारी और मेरी मंदिर में शादी हो रही है। शादी होने के बाद हम बहुत ही खुश थे और कार में कहीं जा रहे थे, तभी अचानक बीच में एक गाड़ी आती है और हमारे साथ एक्सीडेंट हो जाता है। और मैं तुम जैसे लड़के से शादी करूंगी तो एक्सीडेंट नहीं होगा तो और क्या होगा? उतारी के घर तुम मुझे ले जाओगे, बोलो हाँ या ना। ठीक है छोड़ दूंगा, उतारी जी का एक और घर है, चलो वहाँ जाकर देखते हैं। मैं जानती हूँ वो भी बंद ही मिलेगा। तुम्हें वहाँ जाने की इतनी जल्दी क्यों है? उतारी का कन्हैया नाम का एक बेटा था, तुम्हें पता है क्या, वो एक दिन कबड्डी खेलते हुए मर गए थे। उनकी मौत की वजह मेरे पापा ही है। आ
आज उनकी पुण्यतिथि है। कई बार मैंने उनके घर जाने की सोची लेकिन वो नहीं हुआ। कैसे भी करके आज मुझे उनके घर जाना ही होगा, समझ गए ना? हे, एक मिनट रुको। तुम जिनकी बात कर रही हो ना, वो मेरे पापा है। पापा? हे, एक मिनट रुको तो जरा। तुम्हारे पापा नहीं रहे ये सब तुम्हें पता है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ तुम्हें पता है क्या? उस दिन पापा जब घर आए तो उन्होंने घर से बाहर जाना ही छोड़ दिया। उन्होंने माँ या मुझसे किसी से बात नहीं की, खाना भी छोड़ दिया, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पी रहे थे। पागलों की तरह वो इधर उधर घूमे जा रहे थे। एक मौत की वजह से वो बहुत तकलीफ में थे। महीने भर के अंदर तो वो भी गुजर गए थे। तुम्हें पता है क्या? तुम्हें कैसे पता होगा? कौन है रे? छोटे पापा। क्या छोटे पापा, क्या हुआ तुम्हारा? हम लोगों का परिवार सड़क पर आ गया, यही देखने के लिए तेरी माँ ने यहाँ भेजा है ना? अरे नहीं, तूफान आया है ना, तो मैं खेत देखने आया था। अरे ये जायदाद के 10 लोग हकदार हैं, लेकिन फिर भी ये हमारी है, ये हम लोगों का परिवार है। तू जा यहाँ से, चल निकल जा यहाँ से। नहीं नहीं, पत्ते गिर रहे हैं। जाना यहाँ से। तुझे तो पता है ना, तूफान आने से पूरी फसल खराब हो गई है। पान के पत्तों को आंधी तूफान से बचाना सबसे बड़ा काम होता है, तू समझ रहा है ना? ये ले, पूरे 50,000 रुपए है। भैया, अगर घर में पता चला तो लफड़ा हो जाएगा। भैया मत दो भैया। पागल है क्या? पान के पत्ते खराब हो जाएंगे, घर पर बोलना किसी दोस्त ने दिए है। बापरे दादाजी, ये लो। करनी और कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए। अगर तुमने पैसों का लेन देन किया तो तुम्हें भी अलग कर दूंगा। हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा, मैं तमिल तलैवा से भास्कर बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। You are selected in Tamil Talaiva. Thank you so much, sir. Thank you, sir. लेकिन एक जरूरी बात है, तुम्हें compulsorily मैट पे ही प्रैक्टिस करनी होगी। ओके सर। तभी तुम्हें मैच खेलने में आसानी होगी। ओके सर। थैंक यू सर। तुम्हें कभी भी कॉल आ सकता है, रेडी रहना। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। मैट लेनी है तो 3 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे। क्या कवरिंग है क्या? ऐसा लग रहा है अपने पान की खेती तूफान की चपेट में आ चुकी है। क्या है बेटा? कुछ नहीं पापा। चलिया, ये ले जाकर अपने छोटे पापा को दे दे। पूरे 10 दिन भी गले में पहनने नहीं देते हो। पापा ने आपको देने के लिए कहा है। बेटा, गहनों को गिरवी मत रखना, नहीं तो सारी मेहनत प्याज भरने में चली जाएगी। बेच ही दो। हेलो हेलो सर। हेलो। पार्टनर टीम को कोच करने वाले हमारे गांव के लड़कों को सिखाने के लिए आए, इस बात की हमें बहुत खुशी है सर। सर, हम लोगों की गांव की टीम उस कालिया की टीम से एक बार भी नहीं जीत पाई। आप इन लड़कों को कुछ सिखा दीजिए, इस बार कैसे भी करके जिताइए हमें। सर, उनके जीतने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो लोग जीतने के बाद पहले के जमाने में साइकिल और अब बाइक लेकर
200 से 300 लोग पूरे गांव की गलियों में चक्कर लगाते हैं। गांव में कोई मर्द है क्या, ऐसा पूछकर बेइज्जत करते हैं। वो सबका मजाक उड़ाते हैं। अगर ये लोग ऐसा करेंगे तो किसे अच्छा लगेगा सर? सर, मैं कब तक जिंदा रहूंगा मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मेरा एक सपना है। मरने से पहले अपने गांव को एक बार मैं जीतता हुआ देखना चाहता हूं सर। मैं आ गया हूं ना, जीतने के बाद हर हाल में रैली निकालेंगे, उसमें आपकी बाइक जरूर होगी। क्यों, जीत पाएंगे ना? सभी सामने देखो, इस बार यही कोच विपक्षी टीम को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी तुम लोग जीत जाओगे। क्या भाई, कोई भी कोच आ जाने दो, पूरे तंजोया डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ही जीत के झंडे गाड़ेंगे। और तुम क्या ये अरसेकुलम का खौफ दिखा रहे हो? अरसेकुलम को ऐसी मार मारेंगे कि चारों तरफ धूल मिट्टी उड़ेगी। चलो यहाँ से, चलो चलो। ए, सुना क्या यार? भास्कर सर ने फोन किया था, प्रो कबड्डी के लिए मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। लेकिन बात यह है कि मैट पर ट्रेनिंग करना कंपलसरी है, और हमारी हालत ऐसी है कि मैट के लिए पैसे नहीं मांग सकता, और मैट के बिना सेलेक्ट हो भी गया तो ये बताने का कोई फायदा नहीं होगा। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? कम से कम 1 लाख रुपए तो लगेंगे यार। ए, क्या हुआ? हाँ हाँ कुछ नहीं यार, आज ही फसल की लोडिंग के लिए सेटल किया था। मैं एक काम करता हूँ, एक जान पहचान के आदमी के पास से ब्याज पे कुछ पैसे लेने की कोशिश करता हूँ, तुम्हें चलेगा ना? ब्याज पे? ठीक है, जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं आते मैं ब्याज भर दूंगा, ठीक है ना? लेकिन भाई इन पैसों का मैटर अपने बीच में ही रहना चाहिए। ठीक है यार, बिल्कुल हमारे ही बीच रहेगा। तमिल तेलुगु प्रो कबड्डी में सिलेक्ट हो गया हूँ दादाजी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरा बच्चा विजयी हो। पर इसके लिए पैसे कहाँ से? दादाजी वो भास्कर तमिल तेलुगु में कोच है ना, उन्होंने खुद भेजे हैं। ठीक है बेटा। दीदी मेरी भी एक टिकट ले लो ना। पोतारी आओ आओ, अरे आओ तो। नहीं नहीं आओ आओ, अरे ऐसे मना मत करो, कितने महान आदमी हो तुम। इन सालों में कितने लोगों को काबिल बनाया, कितनों की सरकारी नौकरी लग गई, ये कोई छोटी बात है क्या? मामा, माँ ने कहा कि आप सिर्फ टीवी में ही कबड्डी खेलोगे। हाँ बेटा, मामा को अब यहाँ खेलते हुए नहीं देख पाओगी। पीले रंग में 7 नंबर की ड्रेस पहने हुए प्रो कबड्डी प्लेयर तुम्हारा मामा सिर्फ टीवी में ही दिखेगा। सर जम झुम 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 रहा है मन, अब तो सारे मिलके आओ। खुशियाँ ये खुशियाँ है मेरे लिए, दुनिया ये दुनिया है मेरे लिए, हम सब साथ हैं। दादा। क्या बेटा? कुछ बोलो आप। क्या बोलूं मैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, चिल्ला के बोलो। रिकॉर्डिंग? खैर छोड़ो, अंदर आओ। हेलो। हाँ सन गोपाल, काम कैसा चल रहा है बोलो। कौन है ये मेरी तरह मिमिक्री कर रहा है? दादा है? ये मिमिक्री नहीं है, टेक्नोलॉजी है। हेलो, कौन है? कॉल फ्रॉम तमिल तेलुगु, भास्कर। सर सर सॉरी सर, नंबर सेव नहीं है ना, इसलिए पहचान नहीं पाया। बोलिए सर। तुम आज रात को ही निकलकर कल सुबह तक तमिल तेलुगु के ऑफिस पहुंच जाना। सर सॉरी सर, गलत मत समझिएगा, कल मेरे पास के गांव में एक कबड्डी का मैच है, ये हमारे गांव की इज्जत का सवाल है सर। हेलो, मैं तुम्हें तमिल तेलुगु के ऑफिस में बुला रहा हूं, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे गांव में मैच है? सर आई एम सो सॉरी सर। इट्स ओके, टुमारो मॉर्निंग तमिल तेलुगु के ऑफिस में पहुंच जाना। ओके 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 सर। इसी तरह पापा अपनी लगी लगाई गवर्नमेंट जॉब को लात मारकर गांव की तरफ से कबड्डी खेलने के लिए उतरे थे, अभी देख रहे हो पूरे परिवार के साथ पान की खेती के भरोसे बैठे हैं। मेरी बात सुनने का रास्ता, जरा शांत हो जाओ बेटा। ये फैसला थोड़ा मुश्किल है मैं मानता हूँ, अब ये गांव के लिए आरसी कुलम के खिलाफ कबड्डी खेलना जरूरी है, वैसे ही प्रो कबड्डी जाना भी जरूरी है। अब इन दोनों में चुनना तो तुम्हें है, एक बार दोस्तों से भी बात कर लेना।
मैंने कहा था ना, क्या हुआ? लैंप आएगा। हाँ बोलो भाई। भाई बात यह है कि तमिल तलैवा से भास्कर सर का फोन आया था। हाँ। रात को ही निकलकर चेन्नई आने के लिए कहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। तमिल तलैवा कैंप में आने के लिए बोला है यार। ये तो अच्छी बात है यार। अरे पर हमारा आरसी कुलम के खिलाफ मैच भी तो है ना। समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे में करूँ तो क्या करूँ। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। तुम तमिल तलैवा के लिए खेलोगे ना तो पूरे गाँव को फख्र होगा। वैसे भी हम पहले न जाने कितने मैच आरसी कुलम को हरा चुके हैं, वो सब हम लोग देख लेंगे। और तुम्हें जो भास्कर सर ने कॉल किया था ये बात किसी को बताना मत। यहाँ पे सभी लोग जलने वाले हैं यार। सब बोलेंगे गांव के लिए खेलो, गांव के लिए खेलो। तुम अपना फोन चुपचाप से स्विच ऑफ करो और चेन्नई जाके तमिल तलैवा कैंप ज्वाइन करने का रास्ता देखो। समझ गए? ठीक है, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ यार। ठीक है मेरे भाई, बधाई हो यार। देखा, मैंने जो कहा था वो भी वही बोल रहा है। टिकट लेकर मद्रास जाने का रास्ता देखो। हे सुनना यार, दादाजी का इंडिया के लिए खेलना एक सपना था, वो तो पूरा नहीं हो पाया। पापा के भी नसीब में नहीं था। उन्हें जो मौका नहीं मिला वो तुझे मिला है। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है मेरे भाई। पहुंचते ही फोन करना। ओके भाई। ये जो मैच होने जा रहा है, हमारा गाँव हारेगा और आरसी कुलम की जीत होगी। बोलो भाई। अपने गांव की टीम हार गई यार। चिल्लैया खेलने नहीं आया यार, इसलिए टीम हार गई। चिल्लैया की वजह से टीम हार गई? हमेशा हमारे परिवार की वजह से गांव की टीम जीतती आई है। क्या हमारे परिवार के बिना वो जीत नहीं सकते? चल फोन रख अभी। हाँ बोल भाई। भाई तमिल तलैवा ऑफिस में आकर देखा तो यहाँ से बोल रहे हैं कि किसी ने भी यहाँ से फोन नहीं किया। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? ये क्या बोल रहे तू? हाँ भैया, मैंने बताया कि भास्कर सर ने मुझे बुलाया था, लेकिन यहाँ सब कह रहे हैं कि वो शहर में ही नहीं है और ऐसा कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं है। तुझे तमिल तलैवा के नंबर से फोन नहीं आया था क्या? नंबर तो नया था भाई। कौन से नंबर से तुझे फोन आया था? 8056136718। कोई भी गांव में चौड़ी छाती वाला मर्द बच्चा है क्या? गाँव की बाउंड्री पर पेशाब करके इन लोगों ने वीडियो व्हाट्सएप पर डाला है। बहुत बदनामी हो रही है यार। छे, आज पता नहीं इसे भी क्या हुआ, ये भी ठीक से नहीं खेला। इस चिल्लैया के बिना तो मेरी कोई टेक्निक काम ही नहीं कर पाई। अगर चिल्लैया होता तो उसके बारे में बात मत कर। हाँ बोलिए, आप ये क्या बोल रहे हैं? अपने कॉम्प्लेक्स में भेजो तो जरा। कौन था फोन पर? वो टीबीआर 16 कॉम्प्लेक्स में मेरा एक पहचान वाला है। उसने अनजाने में कॉम्प्लेक्स के सामने बाइक स्टैंड में सीसीटीवी का फुटेज देखा है। उसमें अपना चिल्लैया किसी से पैसे लेता हुआ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। पैसे लिए हैं क्या? हाँ। एक मिनट, इसे मैंने आरसी कुलम टीम में देखा, ऐसा लग रहा है। ला दिखा, देख इसे। हाँ यार देखो तो। हे, आरसी कुलम टीम से पैसा लेकर चिल्लैया तमिल तलैवा कैंप के नाम से भाग गया होगा क्या? चचे ऐसा नहीं हो सकता। ये तू क्या बकवास कर रहा है?
मुझे पूरा डाउट है। ए, भास्कर सर का नंबर फिर कहाँ से मिलेगा उसे? ए, छोड़ यार, तेरे पास उसका नंबर है। ए, जरा इधर ला, डाउट क्लियर करते हैं। पीकर पे रख। हेलो, कौन है? सर 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 नमस्ते सर, मैं कालियार काबिल टीम का प्रेसिडेंट ब्रह्म्या का पोता बात कर रहा हूँ सर। सर आप बिजी तो नहीं है ना? एक छोटे से डाउट के लिए आपको कॉल किया था सर। कोई बात नहीं, बोलो। सर वो चिलैया नाम का एक लड़का हमारे गांव का है सर, आज उसकी तमिल तेलेवा कैंप में ज्वाइनिंग है क्या सर? फिलहाल तो मैं दिल्ली में हूँ, कैंप तो अगले महीने ही शुरू होगा ना। अरे कैंप में अभी कोई काम ही नहीं है, इतनी जल्दी कॉल क्यों किया? नहीं सर, एक छोटा सा डाउट था इसीलिए कॉल किया था। थैंक यू सर, रखता हूँ सर। जीजा, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। हमें जो ये मैटर पता चला है ना, ये पूरे गांव को पता चलना चाहिए। चलो अभी व्हाट्सएप ग्रुप में डालो। हमने जो अभी वीडियो देखा है ना, भास्कर सर से जो बात हुई उसका ऑडियो सब व्हाट्सएप पे डालते हैं। जीजा उसे व्हाट्सएप पर डालो। मैं सडगोपन बात कर रहा हूँ। ए, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा, तूने ही तो मुझे किसी से उधार लेकर पैसे दिए थे ब्याज पर। हे, ब्याज के लिए? मैं? तूने मुझसे पैसा मांगा था क्या? हे, फ्रॉड कहके, अगर तूने सच नहीं बोला तो मार डालूंगा। हे, तुम दोनों को लड़ाई करने के लिए यही जगह मिली है क्या? हा? जो भी सच है सही सही बोलो। इससे मैंने मैट के लिए हेल्प मांगी थी, तभी ब्याज पर पैसे देने की बात हुई थी, और इसने जिससे बोला उससे पैसे लिए मैंने। हे, बहुत स्याणा बन रहा है। ठीक है, मैंने तुझे एक आदमी से पैसा लेने के लिए बोला था, तो चल फिर उसको फोन लगा। सच क्या है सब लोग जान लेंगे। उसे मैंने बहुत बार फोन किया, उसका फोन ऑफ आ रहा है। लगा ना? स्पीकर, स्पीकर में डाल। हाँ, बोल चलेया। सुनिए, सडगोपन के कहने पर ही मैंने पैसे उधार लिया था ना? सडगोपन? चलेया, कोई प्रॉब्लम है क्या? हेलो, सडगोपन के कहने पर ही मैंने पैसे उधार लिया था कि नहीं? ए, तूने पैसे लिए ना मैच ना खेलने के, बस मैटर खत्म हो गया। सुन लिया ना आप लोगों ने? ए, शे! पता नहीं क्या हो रहा है। प्रेसिडेंट जी, भास्कर ने इसे नहीं बुलाया, उसका ऑडियो है और इसने पैसा लिया था, उसका वीडियो भी है। और ब्याज पर पैसा नहीं दिया था बल्कि कबड्डी ना खेलने के लिए पैसा दिया था, यही बोला था ये आदमी फोन पर। अब आप ही बताइए, इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए आपको? अरे भाई कुछ भी हो, एक बार पोतारी जी से पूछ लीजिए। व्हाट्सएप पर जो भी आता है वो सच नहीं होता, और जो सच है वो झूठा नहीं हो जाता। ये मेरा खून है, कभी गलत नहीं होगा। अरे वाह, कमाल की बात है मामा जी, आपसे जवाब आएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो सोच रहा था कि अब आप अपनी चप्पल से चलेया को मारेंगे। अगर इसकी गलती नहीं है तो गांव वालों की गलती है क्या? बोतारी, 40 साल से ये गांव तेरा नाम लेकर ही कबड्डी खेल रहा है ना? सिर्फ तुम्हें ही हमने गांव में भगवान की तरह दर्जा दिया है। तुमने गाँव का नहीं बल्कि अपने पोते का साथ दिया। हमेशा की तरह 10-15 लोगों की टीम बनाओ, वो टीम जो फैसला लेगी वो नतीजा ही घोषित कर दो, बस इतना ही ना। मामूली पैसों की लालच में आकर ये जो गांव की बदनामी की गई है उससे सिर्फ उसका ही सर नहीं झुका है, हम सबका झुका है। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि हम कबड्डी में जीत के लिए हमेशा एक ही परिवार पर निर्भर रहे हैं, जबकि कबड्डी पोतारी के परिवार की बपौती नहीं है। जो मेहनत करेगा जीत उसी की होगी। आज के बाद पोतारी के परिवार का कोई भी वारिस कबड्डी में हिस्सा नहीं लेगा, ये इंक्वायरी टीम का फैसला है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे गांव की कबड्डी टीम का नाम पोतारी कबड्डी एसोसिएशन भी नहीं रहेगा, और उसका जो नाम पहले था कालियार कोविल कालेगल वापस वही नाम रखा जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ ये। ए, इतने तमाशे के बाद भी उस पोतारी का पुतला इस गांव में क्यों है? चलो तोड़ते, चलो चलो चलो। हाँ हाँ, चलो चलो यहाँ से, आज मूर्ति रहेगी ही नहीं, तोड़ देंगे इसको।
चिल्लैया ने पैसे लेकर कबड्डी में हराया, इस मैसेज की वजह से पूरे गांव की बुरी तरीके से बदनामी हो रही है। ये तमिल तलैवा भास्कर को भेज दे। सुनो तो, वो कहां खड़ा है जाकर देखो तो। मैं वही तो देख रही हूँ दीदी, वो रोड पर खड़ा है। हेलो भैया, उस दिन तूने मुझे जो नंबर दिया था ना, उसे मैंने साइबर क्राइम के विक्ट्री भाई को ट्रैक करने के लिए दे दिया था। तो वो नंबर कन्याकुमारी के किसी छोटे से गांव के दूध वाले का नंबर है। हाँ? उस वीडियो में जो लड़का है उसे भी मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। छोड़ो भैया, आपको मुझ पर विश्वास है कि नहीं? ए, मैं तुझ पर विश्वास नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? एक बात तू ध्यान रख, ये सच्चाई आज नहीं तो कल बाहर जरूर आएगी, फिर उस दिन मैं सड़कों पर उनका कॉलर पकड़ूंगा। अरे क्या हो गया, तुम्हें सिर्फ गांव के लिए कबड्डी नहीं खेलना है? ए, तुझे इंडिया के लिए प्रो कबड्डी खेलना है यार, मैं देखता हूँ तुझे कौन रोकता है। अभी तू जाकर आराम से सो जा मेरे भाई। अरे बेटा, तूने ब्याज पर पैसे लिए थे, ये बात मुझसे क्यों छुपाई? 2-4 लाख का इंतजाम मैं तुझे करके देता, इतनी बदतर हालत नहीं है मेरी। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब ज्यादा परेशान मत होना, जाओ कुछ खा लो। दीदी हा? वो थक गया कहकर सोने जा रहा है, जब तक सोना है उसको सोने दीजिए, मैं उसे बाद में जगाकर खाना खिला दूंगी। हाँ बेटा, मैं भास्कर बोल रहा हूँ, पहला कदम ही गलत लग रहा है, तुम्हारे बारे में बहुत अफवाहें उड़ रही है। एक अच्छा प्लेयर होना बेहद जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा ईमानदार और बेदाग होना ज्यादा जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रो कबड्डी अब तू अपने दिमाग से निकाल ही दे। चले जायदाद जायदाद बोल के सब कुछ लेकर गया, पूरा परिवार रोड पर आ गया, अपना तो घर में नहीं बताना था, ये सोचकर मेरा बेटा कर्ज के बोझ में दबकर मर गया। तो निकल यहाँ से, निकल, निकल। बस मुझे एक बार उसका चेहरा देख लेने दीजिए। तोड़ के रिश्ता चला कहाँ रे, दिलों का ये नाता तोड़ गया रे, सदा के लिए मुँह मोड़ के, कहाँ है तू चला रोता छोड़ के। पैसों की जरूरत थी इसलिए मैं इस काम के लिए रेडी हुआ, वो मर जाएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। एक तरफ चलैया का भाई मुझे ढूंढ रहा है, पूरे गांव में बदनाम हो गया हूँ, पता नहीं मैं कहाँ जाऊँ, और आप मेरे बीवी बच्चों को मारने की धमकी दे रहे हो। देखिए, सच्चाई बताने में आपकी भी भलाई है और मेरी भी। ये जो बोल रहा है वही सही है, हमेशा सच की जीत होती है। अपने गांव सुगाट बेटा, मंदिर में जो मेला होने वाला है उसके उपलक्ष्य में शाम को ठीक पाँच बजे पंचायत होने वाली है, इसलिए आप सभी लोग उस मीटिंग में शामिल होकर अपनी अपनी राय दीजिए। मुझे उस मीटिंग में जाना है। गांव वालों ने हमें पूरी तरह अलग कर दिया है ना, फिर मीटिंग में जाकर क्या करेंगे? गाँव वालों ने अलग किया है, उस भगवान ने तो नहीं। पहले जो फैसला लिया गया था उसके हिसाब से हर एक परिवार से 1,000 चंदा, लेकिन एक परिवार से नहीं लेंगे हम, क्योंकि इस गांव से विश्वासघात करने वाले परिवार से चंदा लेकर मेला चलाने की नौबत नहीं है इस गांव की।
हमेशा की तरह सुटगाटू मरियमन की पालकी की दोपहर में पूजा होगी और शाम को शादीशुदा लोगों में कबड्डी की प्रतियोगिता होगी, ठीक है ना? किससे पूछकर आपने ये फैसला लिया? किससे पूछना है आखिर? हमारे परिवार से पूछना चाहिए, क्योंकि उस मंदिर की स्थापना करने वाला हमारा परिवार ही है। और आज से नहीं, हमारे दादा परदादा के समय से पालकी को कंधा देना और कलश को तोड़ने के बाद ही लोग प्रार्थना करते आए हैं। आप सब कुछ बदल सकते हो, लेकिन इस मंदिर के रिवाज को नहीं बदल सकते। इस गांव में सब कुछ तुम लोग बदल सकते हो, लेकिन मंदिर के रिवाज को कभी नहीं बदल सकते। ये भी सही है, पोतारी का जो रिवाज चलता आ रहा है, मंदिर से पोतारी परिवार को अलग करके मेला कैसे शुरू कर सकते हैं हम, और कैसे कबड्डी प्रतियोगिता करवा सकते हैं? पीठ पीछे लोग ऐसी ही बातें करते हैं। इन लोगों को अलग नहीं करते, शामिल कर लेते हैं ना। लेकिन शामिल होके करेंगे क्या? जिस घर में मातम हो ना, उस घर में पूजा नहीं करते। फिर मंदिर में क्या काम है? जो कबड्डी खेलने के काम आता था वो लड़का भी मर चुका है। तो एक काम करते, उस परिवार के शादीशुदा लोगों को या फिर जो कुंवारे हैं उनको मैदान में उतार कर कबड्डी खेल सकते हैं क्या? वैसे एक काम करते हैं, जो ना मटका तोड़ने की प्रतियोगिता रखी जाए। जो पुतारी परिवार की रिवाज की बात कर रहे हैं उनको वही मटका तोड़ने देते हैं। कब से मैं देखे जा रहा हूँ, एक परिवार से चंदा नहीं लेना है, उस परिवार को विश्वासघाती कहते हो। साबित करने के लिए मेरा भाई भी जिंदा नहीं है, और हाँ, ये उत्तरी परिवार के लिए मटका फोड़ने की प्रतियोगिता रख रहा है ना, और इसकी बात सुनकर पूरा गांव हंस रहा है। मेरे दादाजी इस गांव के लिए 40 साल कबड्डी खेले, मेरे पापा 10 साल खेले, और मेरा भाई 5 साल। हमने गलत कर दिया क्या? अगर हमारी कोई गलती है तो बताइए ना। उस दिन पंचायत में आप लोगों ने क्या कहा? पोतारी परिवार आज के बाद कबड्डी नहीं खेलेगा। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ, आने वाले मंदिर के मेले में प्रतियोगिता शादीशुदा और कुंवारों के बीच नहीं होगी। तुम लोगों ने हमें कबड्डी खेलने से मना किया है ना, गांव के लड़के एक तरफ और हमारा परिवार एक तरफ, पूरे गांव के लड़कों की ताकत देख लूंगा। अगर तैयार हो तो आ जाना। तू पहले ये बता कि किस परिवार का है तू। ए, तेरे घर वालों ने तेरे छोटे भाई की लाश को तुझे देखने तक नहीं दिया, और तू आ गया तेरे परिवार का समर्थन करने। एक मिनट पोतारी, पोतारी का बेटा कन्हैया, कन्हैया का बेटा चिन्ना दुरई, ये मेरा पोता ही है। चालीस साल से इस गांव के लिए भाग दौड़ करके कबड्डी खेलकर इस गांव का नाम रोशन किया है मैंने, और उसी वजह से अपना परिवार तक खो चुका हूं मैं। और ऐसे परिवार के लिए मटका तोड़ने की प्रतियोगिता, मैं पहले ही एक मटका तोड़ चुका हूं अपने पोते के नाम का। तुम्ही लोगों ने हमें अलग किया है ताकि हमारे परिवार से कोई कबड्डी ना खेल पाए इसलिए, लेकिन ये 70 साल का पोतारी कबड्डी खेलने के लिए मैदान में उतरेगा। मेरे परिवार के लिए, बेटे के लिए, पोते के लिए, इस पूरे गांव के खिलाफ मैं खेलूंगा। क्या भाई, एक परिवार पूरे गांव के खिलाफ कबड्डी खेलेगा? ये लोग अच्छी तरह से फंस गए हैं, ये लोग बहुत बुरा मार खाकर जाएंगे। पोतारी जरा पलट के देख, तुमने जिसे पोता कहा ना, अगले मिनट तेरा बड़ा बेटा चला गया यहाँ से। परिवार के साथ खेलोगे? परिवार के साथ खेलोगे बोल रहे हो? किस परिवार की बात कर रहे हो? ये देखो, इसे साथ में लेकर कबड्डी खेलोगे क्या? उधर एक और घर जमाई है, उसके साथ खेलोगे क्या? बताइए। ये देखो बेटा, उसे साथ लेकर कबड्डी खेलो। तू पॉलिटेक्निक कर रहा है ना, कबड्डी खेलना आता है? अरे इसको छोड़ो यार, आपके पास जो मंद बुद्धि खड़ा है उसे खेलना आता है क्या? ये मंद बुद्धि है या धारदार चाकू, ये मंदिर के मेले में पता चल जाएगा। ये कबड्डी मेरे भाई की मौत के इंसाफ के लिए खेली जाएगी। जब से जलेया का जन्म हुआ है, मंदिर की पालकी सिर्फ हमने उठाई है, और जब उसकी मौत हुई तो उसका अंतिम संस्कार भी वहीं पर हुआ, इसलिए ये कबड्डी भी उस दिन मंदिर के सामने ही होगी, ताकि ये मंदिर का भगवान भी उस कबड्डी को देख सके। अगर हम लोग उस दिन हार गए तो हम मान लेंगे कि हमारे भाई ने पाप किया था और उसकी सजा हमें भगवान दे रहा है, और उस दिन हमारा परिवार ये आखिरी कबड्डी खेलेगा,
लेकिन अगर हम उस दिन जीत गए तो इसे भगवान का फैसला समझकर हम ये मान लेंगे कि मेरे भाई ने कोई गलती नहीं की और हम जीत कर रहेंगे। ये देखो आ गया। सुनो, उसको घर के अंदर लाकर घर के बीचों बीच बिठाकर केले के पत्ते में खाना खिलाओ। किसी भी तरह से इस घर में घुसने का प्लान बनाया है इसने। मौका मिल गया और ये आकर खड़ा हो गया। बड़े पापा, इस परिवार के साथ मुझे जुड़ना है, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन कल मैंने ये सब सोचकर नहीं बोला था। बदनाम होकर मरने वाला मेरा भाई है और सबके सामने बदनाम हो रहे थे मेरे दादाजी, इसलिए मैंने ये सब बोला था। अगर आपको ये सब गलत लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं इसे बदल नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, अगर आप लोगों ने मुझे नहीं बुलाया तो मैं इस घर के अंदर कदम भी नहीं रखूंगा और ना ही इस घर का पानी पीऊंगा। लेकिन बदनाम होकर मेरा भाई मरा है, उसके नाम पर मैं एक कमेटी बनाऊंगा जिसमें पूरा परिवार मिलकर कबड्डी खेलेगा और जीतने पर ही मेरे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। आप और मैं अलग हैं और मुझे अलग ही रहने दीजिए, लेकिन गांव वालों के सामने हम एक परिवार की तरह रहना होगा। उसने क्या गलत बोला? जब पूरा गांव वहां बेइज्जती कर रहा था तब किसी का खून नहीं खौला। क्या बात है, अचानक दादाजी को अपने पोते के लिए प्यार उमड़ रहा है। सुनिए भैया, अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, अब क्यों पुरानी बातों को पकड़ कर बैठे हो? देखो, सब लोग ध्यान से सुन लो, सब अपने अपने काम से मतलब रखो। अगर किसी ने मेरे खिलाफ सोचा तो मैं इंसान ही नहीं रहूंगा, हैवान बन सकता हूँ मैं। हटो। सुनना भाई, गांव वाले मुझे तेरे साथ बात करने से मना कर रहे हैं। वो लोग तो कह रहे हैं कि मैं तेरे घर की तरफ भी ना जाऊं। तो मैंने भी उनसे एक सवाल पूछ ही लिया। मैंने पूछा, अब तक तुम लोगों को लग रहा था कि मैं तुम्हारे गांव में बस काम करने आया हूँ और अब आप लोगों ने मुझे अपना गांव वाला बना लिया। प्रेसिडेंट जी, आपने एक बात सुनी है क्या? कल त्रिवियार में जो पुतारी परिवार का लड़का मरा है ना, उसके लिए वो चिंदा दुराई अकेला बैठकर क्रियाक्रम कर रहा था, ऐसा हमने सुना है। अरे यार, तू भी ना, उनका परिवार जब तक एकजुट होगा मंदिर का मेला ही खत्म हो जाएगा। अरे पान का धंधा छोड़कर कबड्डी खेलेगा अब तू भी। अरे मेरे भाई, तू लंगड़ क्यों रहा है? क्या हुआ? ओ, तूने लाइन बनाना सीख लिया। लाइन बनाना तो ठीक है, लेकिन अब मैं गाना गाते हुए आऊंगा तब तू क्या करेगा? यहाँ से भागेगा क्या? देखते हैं कौन भागता है। तू आजा। ऐसा क्या? तू रुक, मैं आया। आजा आजा। अच्छा, रेडी है ना? आजा आजा। चला जा। कबड्डी 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 आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट हो गया तू। बहुत चैंपियनगिरी कर रहा था ना तू, अब बोल। जीजा जी, जीजा जी, मैं अकेला हूँ इसलिए ये मुझे हरा रहा है, आप आ जाइए ना। क्यों? ताकि परिवार वाले मुझे भी अलग कर दें, मैं नहीं आ सकता। क्यों जीजा जी, डर गए क्या? जाओ जाओ। चलो चलो, अभी देखो आपके अंदर का भी दम देख लेंगे। भैया और जीजा के साथ कबड्डी खेल जाऊं क्या? जा जा। आजा आजा आजा। कबड्डी 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 आउट आउट आउट। क्या कर रहा है तू? बच्चे को मार रहा है। क्यों मारा? सिर्फ बच्चे को ही नहीं, तू भी आजा, तुझे भी मारूंगा। आना। क्या? तू मेरे बेटे के बाद मुझे भी मारेगा क्या? अच्छा अभी बताता हूँ, आजा चल आजा। बहुत अच्छा, आइए यहाँ आइए। कबड्डी
क्यों कैसा लगा? ऐसे ही खेलता रहे और ऐसा बोल कि तेरा पूरा परिवार आएगा ना तू भी हरा नहीं पाएगा। ए, सिर्फ तुझे ही नहीं तेरे पूरे परिवार को मारूंगा। ए, तू किसके सामने खड़ा होकर क्या बोल रहा है हा? पोतारी से भी बड़ा खिलाड़ी है क्या तू है? पापा बिना किसी गलती के चल्लैया भैया मर गए ना, चिन्ना दुरई भैया जैसा बोल रहे हैं, चल्लैया भैया के नाम पर कबड्डी खेलकर इन गांव वालों से हम जीत जाएंगे बड़े पापा। ताक ताक गांव रे ताक, चूक चूक ना जाना चूक, ताक ताक गांव रे ताक, चूक चूक ना जाना चूक। इस फोटो में जो है वो हमारे गांव में नहीं रहता है। सारा जहां कबड्डी 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 कबड्डी। हम आपस में कबड्डी खेलकर सीख गए ऐसा नहीं है, हमें दूसरे गांव में जाकर वहां खेलना होगा ताकि हमें अपनी ताकत और कमजोरी का पता चल सके। आज रात को दूसरे गांव में जाकर हम खेलने वाले हैं। माँ तुम यहां पर क्यों आई हो? तुम जाओ यहां से, चलो चलो हम यहां से चलते हैं ना। मैंने कबड्डी में ही अपने पति को खोया है, मेरे बेटे का समय भी सही नहीं चल रहा, मैं कुछ भी बोलती हूँ वो सुनता ही नहीं है। मैं बस इतना कहूंगी मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। माँ मेरी बात सुनिए, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको सब बताता हूँ। उस दिन तुमने बोला था मेरा बेटा मेरी वजह से मरा है, वो शब्द आज भी मुझे तीर की तरह चुभते हैं। तुम बेशक अपने बेटे को ले जा सकती हो। दादाजी तुम दोनों जा सकते हो। माँ अगर मौत आनी है तो कबड्डी में नहीं आएगी क्या? ये क्या कह रहा है बेटा? पूरे गांव के साथ मैंने ललकारा है, बदनामी के साथ 100 साल जीने से अच्छा है एक दिन इज्जत के साथ मर जाऊं। ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा? बेटा ए कहाँ जा रहा है तू बेटा? अरे कोई बचाओ मेरे बेटे को, कुएं में कूद गया मेरा बेटा, कोई बचाओ, कोई बचाओ। पानी में कूदो, देखो देखो। तेरे लिए मैं और मेरे लिए तू ऐसा कहती थी मैं बेटा,
लेकिन अगर तुझे कुछ हुआ तो तेरे लिए पूरा परिवार खड़ा है मेरे बच्चे देख। तू अपने परिवार के साथ जा, खेल उनके साथ, खेल सबको हरा कर दिखा बेटा। ए, मैंने एंट्री फीस भर दी है। कहाँ हैं सब लोग? वो सब लोग स्कूल के पास में हैं। स्कूल के पास गए? चल ठीक है, हम भी वहीं चलते हैं। भूख लगी है भैया। भूख लगी है? इस वक्त कहाँ जाएंगे यार, सारी दुकानें बंद हो गई हैं। चल चलते हैं। जोर से भूख लगी है भैया। भूख तो मुझे भी लगी है। एक काम करते हैं, इस रोड पर सीधा चलते हैं, वहाँ बहुत सारे घर हैं, तो हम वहीं चलते हैं। एक अच्छा सा घर देखकर हम उसका दरवाजा खटखटाएंगे और हम उससे ये बोलेंगे कि हम बहुत बड़े कबड्डी प्लेयर हैं और आपके गाँव में कबड्डी खेलने आए हैं, हमें पीने के लिए पानी चाहिए था। और जैसे ही वो पानी लेकर बाहर आए ना, तू जोर से बोलना कि भैया मुझे बहुत भूख लगी है, समझा ना? और वो बोलेंगे अरे बाप रे बेटा चलो अंदर आकर खाना खा लो, फिर हम अंदर जाएंगे और भरपेट खाना खाकर वहाँ से निकलेंगे, ठीक है? सुपर आइडिया है भैया। भैया ये वाला घर, वहाँ जाना बेकार है, कोई फायदा नहीं। भैया आपने कहा था ना खाते पीते परिवार का घर होना चाहिए। यस, मछली का सालन। चल यहीं चलते हैं, आ जा। हेलो हेलो माँ। माँ आ रही, आ रही। कौन है आप? नमस्ते बहन जी, हम लोग बहुत बड़े कबड्डी के प्लेयर हैं, आपके गांव में कबड्डी खेलने आए हैं और हम थोड़ा पानी ढूंढ रहे थे। भैया क्या हुआ बेटा? पानी नहीं, बहुत जोर की भूख लगी। अरे है। बाप रे, भूख लगी है? छोटे बच्चे को भूख बहुत लगती है। अरे रे, मछली का सालन बनाया था लेकिन चावल में पानी डाल दिया, उसे निचोड़ कर दे दूं क्या सालन के साथ? ठीक है। मेरी बेटी भी कबड्डी प्लेयर है बेटा। ऐसा क्या? हाँ। देखा ना कबड्डी प्लेयर्स की बॉन्डिंग कैसी होती है। आंटी थोड़ा सालन दीजिए ना। वैसे जब मैं किसी के घर में खाना खाता हूँ ना, तो उनके लिए कुछ करने के लिए सोचता हूँ। अगर आपके घर पर कोई लड़की है तो मैं उसे सारी टेक्निक, डिफेंस की सारी टेक्निक सिखा सकता हूँ, जिससे वो अपनी आत्मरक्षा कर सकती है। अगर है तो बुलाइए ना। वो मैच देखने जा रही है, उसके लिए रेडी हो रही है। पवित्रा। हाँ। पवित्रा क्या हुआ माँ? हमारे घर पे बहुत बड़े कबड्डी प्लेयर खाना खा रहे हैं, तुम अंदर क्या कर रही हो? ये लोग कबड्डी के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं, तुम भी सुनो ना। क्या माँ, तुम जिस कबड्डी प्लेयर की बात कर रही हो वो यही है क्या? ए, बस बहुत हो गया, चल। भैया रुक जाओ ना, आंटी थोड़ा सालन दो ना। ए, कहा ना बहुत हो गया। अच्छी तरह से खाकर जाइए कोच। ये क्या गंदी आदतें पाल रखी हैं? हाँ, इसीलिए तुम्हारा पीछा करते आया हूँ। अनजान घर में जाकर खाना खाते हो, कबड्डी खेलने से पहले ये कितनी बार समझाया है? फोन में अंदर ही भूल गया, लेकर आता हूँ दादाजी। इस फोटो में जो है वो ये है मेरे पापा। कई सालों से कबड्डी देखता हूँ लेकिन मैंने आज तक ऐसी टीम नहीं देखी जिसमें एक बुजुर्ग है, एक सातवीं आठवीं में पढ़ने वाला बच्चा है। ये कैसी टीम है? रोस्विन चलिया मेमोरियल कमिटी टीम, कालियार गोविल चॉइस राइट।
कबड्डी 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 आउट। 40 सेकंड भी नहीं खेला और आउट कैसे दे सकते हैं? इस बुढ़ापे में अगर रूल्स नहीं पता है तो हमारी जान क्यों खा रहे हो तुम लोग? ए, तूने अंपायर पे हाथ कैसे उठाया? तेरी इतनी हिम्मत? ए, रुक जाओ, ये क्या कर रहा है बेटा? दादाजी, वो आपने मेरे लिए गलत कहा होगा, लेकिन अंपायर को तू नहीं मार सकता। दादा, आपके रूल्स गलत हैं। 40 सेकंड्स अभी नहीं है, रिसेंटली अभी 30 सेकंड्स ही हैं। अरे रे, इस बुड्ढे को तो कबड्डी रूल्स भी नहीं पता। अब ये कब रूल्स सीखेगा और कब हमें सिखाएगा, और वो सब रूल्स सीख कर कब हम गांव वालों से खेलकर उनसे जीतेंगे, क्या पता? दादा, आप इस उम्र में क्यों कबड्डी खेल रहे हैं, वो भी परिवार के साथ? वो तारी से बढ़कर यहाँ कोई कबड्डी नहीं सिखा सकता है, लेकिन आज के जो कबड्डी के रूल्स हैं अपडेट करने के लिए मैं भी आपके परिवार से जुड़ सकती हूँ क्या? इस परिवार के लिए हमारा फर्ज पूरा करना बाकी है, तुम जाओ बेटी। ऐसा नहीं है दादाजी, आपके समय में 3 जन 2 जन 1 जन राइडर को पकड़ोगे तो एक ही पॉइंट देते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, 2 पॉइंट्स देते हैं, यही है सुपर टैकल। ठीक है बेटा, ठीक है। मुस्कुराए मुस्कुराए जिंदगी मुस्कुराए, जरा उधर देखो कैसे दौड़ रहे हैं जैसे पैर में गोबर लगा हो उनके। ये चिन्ना दुरई है ना, चेल्या की मौत पर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अभी उसको ऐसे ही छोड़ दिया। बोला तो क्या कह रहा है पता है, कबड्डी खेलने पर ध्यान दो और वो सब बातें छोड़ो, ऐसा लोग बोल रहे हैं। भैया जो बोल रहे हैं वही सही है, वो हमारे परिवार के अंदर घुसकर कुछ ना कुछ करने की सोच रहा है, उसके दिल में हमारे परिवार के लिए कोई प्यार व्यार नहीं है। उसको तो उस लड़की पवित्रा के साथ गाँव घूमने के लिए समय कम पड़ रहा है। अंदर ही मार देते, गवर्नमेंट ऑफिस है ना, इसलिए छोड़ दिया। कबड्डी 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 कबड्डी। क्या बात है, आपने अपनी जमीन को ऐसे ही छोड़ दिया? कॉन्ट्रैक्ट के लिए लोग मांग रहे हैं, आप देंगे क्या? उसे ऐसे ही रहने दीजिए, अभी कुछ दिन वो और ऐसे रहेगी। आइए कबड्डी प्लेयर, कैसे हैं आप, बैठिए। जब जमीन की रजिस्ट्री करवा रहे थे तब से इसमें एक सर्वे नंबर जुड़ा हुआ है, बस उसे अलग कर दीजिए, लोन के लिए अप्लाई करना है। उसे अलग मत कीजिए सर, उसी एक वजह से तो हम सब साथ में हैं। लोन के लिए साइन चाहिए तो मैं कर देता हूँ ना। पहले जो एक साइन किया था ना वही काफी है, आप इसे अलग कर दीजिए सर, मैं आता हूँ सर। हाँ हाँ, आप जाकर आइए। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? जमीन के रजिस्ट्रेशन का मामला है। मैं तो तुम्हारे साथ हूं ना। दादा, दादाजी ग्राउंड मैंने रेडी कर दिया है, जीजा जी और छोटे पापा नहीं आए अभी तक। तुम दोनों को मैं समझदार समझता था,
रूल्स का मैं देख लूंगा, तुम घर जा सकती हो। दादा, मैंने कहा तुम जा सकती हो। आज रात को ही एक मैच है बेटा, इस लड़की को इसके घर पे छोड़ दो और सब कुछ वहीं पर छोड़कर आना। ये क्या है यार, तुम आते ही लात मारकर खेल शुरू करता है? वो हमेशा ऐसा ही करता है, हमेशा लात मारकर पॉइंट वही लेता है। अरे तेरी माँ की आंख, अरे उसी जगह पर वो बुड्ढा मुझे खड़ा करेगा यार। अकेले 21 पॉइंट हासिल करने वाले सद गोपाल को मैन ऑफ द मैच घोषित करते हैं। हमारे मिनिस्टर मिस्टर पुन्नू स्वामी जी सद गोपाल जी को ये घड़ी इनाम में देंगे। जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। Swan, Prabhakaran team and Choice Right. सर पे हाथ मारकर कसम खा के जा रहा है, पक्का वही लोग जीतेंगे। प्रभाकरण टीम कबड्डी 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 राइड। पकड़ 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 इधर से पकड़। बेटर मूव। वन पॉइंट प्रभाकरण टीम। Four point, Prabhakaran Memorial Team. Kabaddi, 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 ये लोग ऐसा खेल रहे हैं कि इनका खेल करण को भी पसंद नहीं आया। दर्द हो रहा है बेटा। दूसरे गांव से हम हार कर आए हैं। कल गांव में होने वाला खेल जिंदगी और मौत के बीच हमारा परिवार हार कर बेइज्जती में खड़ा होने वाला है। तब इस परिवार के लोगों ने जो पाप किया है उसकी सजा मारी अमन माता ने दी है, ऐसा पूरा गांव कहेगा। मेरे बेटे की मौत को तू बार बार जख्म दे रहा है, क्यों तू ऐसा कर रहा है? इन सब की वजह यही है ना? इसको गांव वालों के सामने सभी के पैर पकड़कर माफी मांगने के लिए बोलो कि हम ये मैच खेलकर हारना नहीं चाहते हैं। पीले रंग में 7 नंबर की ड्रेस पहने हुए प्रो कबड्डी प्लेयर, तुम्हारा मामा सिर्फ टीवी में ही दिखेगा। चलैया मामा। दादाजी दादाजी, टीवी में चलैया मामा कबड्डी खेल रहे हैं, टीवी में चलैया मामा कबड्डी खेल रहे हैं। चलो ना दादाजी, देखो ना वो कबड्डी खेल रहे हैं। पीले कलर की कमीज पहनी है उन्होंने। चलिए ना देखते हैं ना। चलिए दादाजी, चलिए ना, उठिए। चलैया मामा टीवी पर कबड्डी नहीं खेलेंगे, लेकिन उसकी जगह पर जो खेलने वाला है ना वो जरूर जीतेगा। चल बेटा। अरे ये पोतारी परिवार के लिए दूध है रे। अरे भाई, हमारे सिरला दन गणपति के बारे में न्यूज आया, देखो जरा दिखा। प्रो कबड्डी के खिलाड़ियों के
के सेल 11 इंडिया में सबसे महंगे कीमत पे उनको खरीदा गया है। इन्हें न्यू मुंबई टीम ने 500 करोड़ रुपए में खरीदा है। ये तंजा डिस्ट्रिक्ट कालियार कोइल गांव के रहने वाले हैं, ऐसा कहा जाता है। एकदम मस्त मैटर है ना, उससे बात किए बहुत दिन हो गए, उसे बधाई देता हूँ। मेरे यार मेरे यार मेरे यार, ए मेरे भाई, कालियार कोइल से सड़गोपन बात कर रहा हूँ। बोल मेरे यार। कांग्रेट्स मेरे भाई, कमाल कर दिया। थैंक्स यार, थैंक्स। और ये मैटर क्या है, पूरा गांव एक तरफ और पोतारी परिवार एक तरफ, सुना है ऐसा चैलेंज किया है? हाँ यार, उन्होंने हमारे गांव को धोखा दिया था ना, उसका इनाम तो उन्हें मिलना ही चाहिए था। देख, मेले के दिन जो मैच होने वाला है ना, उसमें 7वां खिलाड़ी उतर कर मैं भी खेलूंगा यार। ए, तू क्यों यार, उन लोगों को तो अकेले मैं ही निपटा दूंगा। ए, मैं सिर्फ इसके लिए थोड़ी आ रहा हूँ, मैं तो हमेशा से मेले में आता ही हूँ ना, मंदिर के साथ उनके परिवार को भी एक कुंभ अभिषेक कर देते हैं। हाँ कर देते हैं। साहब, आपने कुछ सुना क्या? क्या बात है, कहो। वो वेलू का बेटा शेर नादन है ना, उसको मुंबई टीम ने नीलामी में 5 करोड़ में खरीदा है। ये तो अच्छी बात है ना। अरे क्या अच्छी बात है, इस मेले में होने वाली कबड्डी प्रतियोगिता में गांव वाले की तरफ से उसको आपके खिलाफ खेलने के लिए बुला रहे हैं। इतना बड़ा प्लेयर है क्या वो? अरे तुम क्या बात कर रहे हो बेटा, उसने जो मैच खेला है व्हाट्सएप में दिखा रहे हैं, एक मैच में उसने एक खिलाड़ी को इतनी जोर से लात मारा कि पता नहीं खिलाड़ी जिंदा है कि नहीं। पहले ही उनकी टीम में कितना खतरनाक खिलाड़ी है, अब ये जो आएगा इसको कौन संभालेगा क्या पता। वो तारी जी के खिलाफ सीना तान के खड़ा हो गया, देखिए इससे बुरे दिन क्या आएंगे अब। बोलो। ए, अभी मैंने एक वीडियो क्लिप भेजी है, देखो, और अभी चेक कर रही हूँ मैं, तुम इसे देखो, मैं और भेजती हूँ। ये देखिए, बहुत बढ़िया खेल दिखाते हुए इन्होंने एक और पॉइंट हासिल किया है। उनको एक भी पॉइंट दिए बिना हम जीतेंगे मामा। अरे तुम लोग खेल में जीत जाओगे, लेकिन इतना काफी नहीं है मेरे लिए। लेकिन इस गांव को धोखा देने वाले उस परिवार का जो सही जवाब होगा वो है एक मौत, याद रखना इस बात को। सुनिए, पापा, ससुर जी, पापा, पापा, ये सब क्या है पापा? आप ऐसे बारिश में अकेले क्यों खड़े हुए हो? पापा, आप यहाँ इतनी रात में क्या कर रहे हो? हाँ? ये सब हमारी बदनसीबी भी है। पापा, आप इस तरह तूफानी बारिश में क्यों खड़े हैं? अरे 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 अरे। मैं सो रहा था, मेरे पोते चेल्लैया ने आकर मुझे जगाया और वही वही मुझे यहाँ लेकर आया। कल होने वाली प्रतियोगिता में अगर हम हार गए तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा, चेल्लैया के पास चला जाऊंगा। नहीं मरने देंगे। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। आज से हमारी टीम के कैप्टन तुम हो। अपनी इज्जत बचाने की काबिलियत और हैसियत तुम में है, तो सारे फैसले अब तुम ही लोगे। कालियार कोहिल कालेगल टीम तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एंट्री कर रही है।
टॉस विन चले मेमोरियल कमेटी। राइट। कबड्डी 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 जी जी दामाद जी, दर्द ज्यादा हो रहा है? दर्द वगैरह कुछ नहीं है ससुर जी, अपने अपने परिवार के लिए एक पॉइंट नहीं लेकर आ सका, इसका बुरा लग रहा है। वो सब छोड़िए जीजा जी, पहले जाकर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाइए। ए जाओ ले जाओ। साले साहब नहीं नहीं, साले साहब नहीं नहीं, तुम लोग यहाँ पर खेलो और मुझे उठाकर साइड में बिठा दो, मरी अमन देवी हमारा साथ देगी। सुपर मेरे यार। ऑल इंटर, क्या तुम लोग सिर्फ छह लोगों के साथ ही खेलने वाले हो क्या? मैं नहीं, सात खिलाड़ी, सातवीं मैं खेलूंगी। बेटी, ये अपने परिवार के साथ खेलेंगे, ऐसा इन्होंने चैलेंज किया है। तुम इन्हीं के परिवार की हो क्या? अभी इसी वक्त मुझसे शादी करोगे क्या? हे, मजाक कर रही हो क्या? पागलों की तरह बातें मत कराओ, जाओ यहाँ से। बोलो, मुझसे शादी करोगे क्या? दादा, आप मुझसे नाराज हो ये मुझे अच्छी तरह पता है। मुझे इस परिवार के लिए एक फर्ज पूरा करना है दादा, मुझे खेलने का मौका दीजिए ना दादा, प्लीज दादा। मैच खत्म होते ही मैं मंगलसूत्र उतार कर चली जाऊंगी दादा।
क्या तुम्हारी टीम से लड़कियां भी खेलेंगी? बेटी पवित्रा, तुम मत जाओ बेटा, किसी और को जाने। तुम जाओ बेटी, आओ खेलो तुम भी। कबड्डी, 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 वन पॉइंट, चले मेमोरियल कमिटी। कबड्डी, 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 कबड्डी। करोड़ रुपए लिए यार, शेरलादन किसी से कम है क्या? इस गांव का नाम रोशन करने वाले पोतारी जी उनसे नहीं हो पाएगा, उनको यही लग रहा है और तुम लोग उन्हें लात मार रहे हो मैदान में। अभी तक फर्स्ट हाफ के खेल में हमारे गांव की टीम, जिसे सभी जानते हैं, नंबर वन टीम कालिया कोविल कालगिल 27 पॉइंट। इस गाँव के खिलाफ खेलने वाले चेलैया मेमोरियल कमेटी, जिनका सिर्फ एक ही पॉइंट है। कबड्डी, 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 चलने मेमोरियल टीम। पहले एक पॉइंट और एक पॉइंट उन लोगों को तुमने फिर दे दिया। कबड्डी, 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 कबड्डी। छोटा बच्चा है तो इस तरह बर्ताव करेगा क्या? ए तुम रुको, सुनो शेरलादन, तुम जाओ। दादाजी, आप पीछे आकर लाइन छूकर आउट हो जाइए, मैं देख लूंगा। कबड्डी, 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 दादाजी पीछे आइए। अब तो पुराना पुतारी वापस आ गया रे। कबड्डी, कबड्डी,
कबड्डी 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 वन पॉइंट चलाइया मेमोरियल टीम कबड्डी 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 यार कबड्डी कबड्डी फाइव पॉइंट चलेगा कबड्डी 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 वन पॉइंट फॉर चेन्नई मेमोरियल टीम बच्चा बाकी है और बाकी भी बचे हैं दो राइडर कालियार कोविल कालगिल की जीत पक्की है लास्ट वन मिनट हमारी टीम के पॉइंट है 41 और चलैया मेमोरियल टीम के हैं 34 पॉइंट और सिर्फ आखिरी रेड बाकी है इतने पॉइंट काफी है लास्ट राइड है हम लोग 7 पॉइंट आगे हैं तुम लोग क्या करने वाले हो एक खिलाड़ी बीच लकीर के पास खड़े रहो उसे रोक कर वॉन्टेरी उसे छू कर आउट हो जाएगा तुम लोग 6 पॉइंट से जीत जाओगे जाओ 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 एक रेड में सब कुछ होगा तभी जीत पक्की होगी और ये मुमकिन है क्या
छू कर जंप मार। कबड्डी 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 अरे मेरे पोते को क्यों मार रहा है तू? तुम लोगों ने मेरे भाई को मार डाला। चलैया को पैसे देने वाला और व्हाट्सएप पर मैसेज करने वाले लड़के को गन्ने की फैक्ट्री में कन्हैया ने देखा था। उसने मुझे बताया कि जब वो कचरा उठा रहा था तो उसे वहां पर एक खोपड़ी मिली थी और तभी से मुझे शक होना शुरू हो गया था। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट से मरने वाला वही लड़का है, यह कन्फर्म हो गया था। तभी मैं इनका पर्दाफाश कर सकता था, लेकिन फिर गांव वाले ये सोचते कि हम कबड्डी नहीं खेलना चाहते, इसलिए ये सब कर रहे हैं। मेरा भाई चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि उसने वो पैसे ब्याज पर लिए थे, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था। किसी ने उस पर यकीन नहीं किया था। मेरे भाई की मौत की वजह सिर्फ ये लोग नहीं है बल्कि पूरा गाँव है। जिस गाँव ने हमें सजा देने का फैसला किया था, उसी गाँव के लिए एक दिन इस पूरी गांव की इज्जत बचाने के लिए मेरे दादा ने कबड्डी खेली थी। वो तब भी जीते और आज भी जीते। मैं चाहता तो उसी दिन आप लोगों को ये बात बता सकता था, लेकिन कबड्डी से मैं किसी का ध्यान नहीं भटकाना चाहता था, इसलिए मैंने उस बात को छुपाया। मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे माफ कर दे बेटे। ए, मेरा छोटा भाई मर गया है, उसके पास जाकर माफी मांग। नहीं बेटा, छोड़ दे उसे। हमें उन्हें सजा देने की जरूरत नहीं, ये खुद सजा भुगतेंगे। चलो। चिन्नादुराई, उस तरफ कहां जा रहे हो बेटा? हमारा घर इस तरफ है, चलो। मामा, हमारे घर चलते हैं। मामा चलो, चलो ना मामा, अपने घर चलो ना। बेटा, मेरा लाडला बच्चा है ना, चल घर चलते। चलो ना बेटा, अपने घर चलते हैं। चिन्नादुरई, अपने घर चलते हैं। हमारे लिए सब कुछ करके हमें छोड़कर जाने की सोचना, ये कहाँ का इंसाफ है? मेरे पापा नहीं है तो क्या हुआ? अभी मेरे छोटे पापा है ना, बड़े पापा भी तो हैं। मेरी एक नहीं, तीन माएं हैं, छोटी माँ, बड़ी माँ और दादी माँ। दादा, दादी, बुआ, फूफा जी, भाई, बहन, मेरा परिवार एक जॉइंट फैमिली है। आप लोग ही बताइए, आप लोगों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा? चिन्ना तो रही, बड़े पापा। मुस्कुराई मुस्कुराई जिंदगी मुस्कुराई।